लगभग तय हो गया है कि दूसरी बार अब बिरला जी को लोकसभा इस पर अगर बनाया जा रहा है, क्या कहना है आपको? मैं तो ये कहूँगा 4 दिसंबर 1963 में भाई ओम बिरला का जन्म माँ श्रीमती शकुंतला देवी और पिता श्री 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 कृष्ण बिरला जी के यहाँ पर हुआ। ये हमारे 9 बहन भाइयों में बीच में है, 4 पहले हैं और 4 बाद में हैं। शुरू से ही इसमें ऐसी प्रतिभाएं थी, बचपन से ही कुछ ऐसा लगता था कि जब ये न्यू मिडिल स्कूल में पढ़ता था उस टाइम से ही लगता था कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है, और हम ये मान के चलते थे कि ये बहुत आगे कुछ न कुछ करेगा। उसी क्रम को देखते हुए जब न्यू मिडिल स्कूल में पहली बार अध्यक्ष के बनकर आया तो सबको खुशी हुई कि 8वीं क्लास में ये अध्यक्ष बना। उसके बाद मल्टीपर्पज़ स्कूल में चुनाव हुए, उसमें अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ और उसके बाद से इसका राजनीतिक करियर शुरुआत हो गई। ये राजनीतिक करियर में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा वो सहकारिता का रहा, क्योंकि सहकारिता के माध्यम से ही भाई ओम बिरला ने अपना वर्चस्व बनाया और विभिन्न सहकारी संस्थाओं, उपभोक्ता भंडार से लेकर प्रारंभ हुआ जो कॉन्फेड तक जाके समाप्त हुआ। सहकारिता के माध्यम से जो काम हुआ उसको देखते हुए राजनीतिक क्षेत्र में जो कदम बढ़े, क्योंकि मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में था लेकिन मैंने देखा कि इसमें बहुत क्षमता है काम करने की और लगन से काम करने की, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भाई ओम बिरला कुछ ना कुछ करेगा। और मेरे माताश्री और पिताश्री जी को भी ये था, उसको हम कभी भी नहीं रोकते थे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किस तरह काम करेगा, क्योंकि हमें विश्वास था कि एक तो गलत काम कभी नहीं करेगा, सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा। तो भाई ओम बिरला ने जिस तरह से समाज को एक दिशा दी उसको देखते हुए हमने इसको आगे बढ़ने दिया। पहली बार वाणिज्य महाविद्यालय में चुनाव हुए और फर्स्ट टाइम में चुनाव लड़ा, उसकी ख्याति वो देखते हुए, वो विजय तो नहीं हुआ लेकिन 2 वोट से पराजित हो गया, लेकिन वो कारवा ऐसा बढ़ा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी में काम करते हुए जिस तरह से बढ़ा, 1993 में बूंदी से टिकट मिला लेकिन किन्हीं कारणों से वो टिकट कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर 1998 में नैनवा से टिकट दिया। भाई ओम बिरला ने मुझे कहा कि भाई साहब, ये नैनवा से टिकट मिला। मैंने, भाई नैनवा में अपना कोई मिलने वाला नहीं, कभी अपन गए नहीं नैनवा में, अपन को सर धन्यवाद, ये टिकट वापस कर देना चाहिए। उस टाइम उसने वापस वो टिकट कर दिया। 2003 के चुनाव में जब ऐसी मारामारी चल रही थी और टिकट के लिए सब परेशान थे, तो कोटा शहर से शांति धारीवाल जी के सामने कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। भाई ओम बिरला ने शांति धारीवाल जी के सामने चुनाव लड़ा, 2003 के चुनाव में 10,000 वोटों से जीता। और वो कारवा जब आगे बढ़ता गया 2003 के बाद, 2008 में जो चुनाव हुए उसमें कैबिनेट मंत्री रामकिशन जी वर्मा को चुनाव हराया, फिर तीसरा चुनाव हुआ तो उसमें पंकज मेहता चुनाव लड़ाए, तो रामकिशन जी को तो 25,000 वोटों से हराया और पंकज मेहता जी चुनाव लड़े तो उसको 50,000 वोटों से लगा। लगातार 10, 25, 50 से क्रम बढ़ता रहा। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में कोटा शहर से 70,000 वोटों से दक्षिण से जीते, तो एक उपलब्धि रही और वो कारवा बढ़ता चला गया। और आज तक जिस तरह से जो प्रतिभा भाई ओम बिरला में प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, क्योंकि सामाजिक सरोकार के काम करने में बहुत रुचि है और अपने देश से इतना प्यार है, अपने शहर से, अपने राज्य से, कि वो बहुत आगे ये सोच ही चलता है कि मेरा राष्ट्र बहुत आगे बढ़े, मेरा प्रांत बहुत आगे बढ़े। और कोटा शहर को तो वो एक तरह से अपनी जान मानता है, कोटा शहर के जितनी भी जनता है वो अपने उसको ऐसी प्रिय लगती है कि उसमें हमेशा वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आता रहता है किस तरह से कोटा शहर की जनता का भला कराए। और
जो आज स्थिति में देख रहा हूँ उसको लगता हो कि 5 साल जिस तरह से संसद को चलाया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वास प्रकट किया, अमित शाह जी ने विश्वास प्रकट किया, तो उसको उसने सार्थक किया और अब फिर दोबारा से एनडीए के कैंडिडेट के रूप में नामांकन भरा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो नामांकन हुआ और उसमें चुनाव होंगे तो उसमें भारी मतों से विजय होंगे और पुनः लोकसभा के अध्यक्ष रूप में पदस्थापित होंगे। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह संसद को चलाया उसी तरह से सबको साथ में लेकर संसद को चलाएंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। और तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि जो काम करने की क्षमता है वो काम इस तरह से किया जाता है कि सबका भला हो, सबका वो कभी भी ये नहीं देखता ये विपक्ष का है ये पक्ष का है, सबको समय देना। मैंने देखा बहुत सारे विपक्षी सांसद जो युवा थे वो उसके बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान करते थे। तो एक मतलब कम से कम साउथ के सांसद तो ऐसे लट्टू रहते थे, ऐसे निछावर रहते थे कि भाई ओम बिड़ला जी हमें टाइम दिया बोलने के लिए, जो आज तक हम नहीं बोल पाते संसद में, आज हम बोले, तो वो भी एक उपलब्धि रही। और मैं पुनः विश्वास करता हूँ कि जो इस बार पुनः लोकसभा अध्यक्ष बनने पर जिस तरह से जो काम पूरे नहीं हुए थे वो काम पूरे होंगे। आज जो संसद बनी, नया भवन बना, वो हमारे सामने है और उसको पूरा रूप देने के लिए भाई ओम बिड़ला को अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी जो संसद पूरा भवन तैयार नहीं हुआ है, पूरा चारों ओर से जब तैयार होगा तो एक देखने लायक स्थान होगा। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि संसद भवन भी जिस तरह से अंग्रेज़ों ने वो संसद भवन बनाई थी, आज भाई ओम बिड़ला ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में रहकर जो काम किया वो एक सराहनीय काम है और आगे भी वो करते रहेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। सर, एक चीज़ नेताओं से हटकर देखा जाता है, बल्कि क्षेत्र के लोग कहते हैं कि वो नेता नहीं है, वो एक सेवक हैं जो हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक चीज़ देखिए, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लिए और इतने बड़े पद पर रहे, 3 बार विधायक का चुनाव जीते, 3री बार सांसद का जीत गए, पर दिल्ली रोक नहीं पाते हैं खुद को, कोटा चले आते हैं, उसके बाद जनता के बीच में बैठकर जन सुनवाई करते हैं और अपनों के बीच आकर वो मुस्कुराहट उनकी बढ़ जाती है, ये राज क्या है सर मुस्कुराहट का? एक्चुअल में उसको कोटा की जनता से इतना प्यार है क्योंकि वो यहाँ पर ही पैदा हुआ है, यहीं बड़ा हुआ है, यहीं पढ़ा है, तो उसको अपनत्व तो लगता है कि मैं उनके बीच में नहीं रहूँगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। और जो प्यार उसको मिलता है कोटा की जनता से, क्योंकि जब पैदा ही यहाँ हुआ है, पढ़ा यहाँ, तो जो जनता उसको लाया करती है और जो काम उसके, क्योंकि वो कभी भी ना तो उसने अभिमान किया ना कोई इस तरह का काम किया कि जिससे जनता नाराज़ हो। जब वो उसका सोच रहता है कि कोटा शहर की जनता को मैं किस तरह से मजबूत करूँ, तैयार, और उसके उन्नति के लिए किस तरह से काम करूँ कि वो सब उन मतलब प्रभावशाली होकर कोटा का नाम रोशन करें, उसी क्रम में जो वो काम करते हैं तो उनका सोच ये रहता है कि जब भी कोटा आना तो ये देखना कि किस तरह से गरीब आदमी परेशान है, उसको कैसे मदद करूं, कैसे उसको आगे लाऊं। सामाजिक सरोकार के काम तो आपने देखे हैं, सामाजिक सरोकार कहीं पर उसको जब कोई चीज़ नज़र आती है तो सामाजिक सरोकार के रूप में उसको बहुत जल्दी लागू कर देता है। अब चाहे वो चप्पल पहनाना हो, कपड़े सिलाना हो, भोजन की व्यवस्था हो, या चिकित्सा के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो। अब मेन मुख्य काम जो है वो मतलब अब चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर ध्यान देना है। और जो यहाँ कोटा की बेरोजगारी है, कोटा के शहर के, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि कोटा शहर में बहुत समय से इंडस्ट्री नहीं आई, तो इंडस्ट्री या आईटी सेक्टर का निर्माण हो, आईटी सेक्टर आएगा तो ज़रूर कोटा शहर का भी डेवलपमेंट होगा। और मैं मान के चलता हूँ कि एयरपोर्ट जो कोटा शहर की सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि चुनाव में ये मुद्दा आया कि एयरपोर्ट नहीं बन पाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि एयरपोर्ट का सपना अब ज़रूर साकार होगा। इसके साथ साथ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगेगी, आईटी सेक्टर के लिए काम होगा और कोटा शहर और कोटा के आसपास जो उसके संसदीय क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए वो काम करने का इच्छुक है, पूरे राजस्थान के लिए काम करेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। उसके लिए अब राजस्थान से भी ऊपर हो गया पूरा भारतवर्ष, और भारतवर्ष में जिस तरह से उसने अपने प्रतिभा बताई है और ये लगाओ, ये क्योंकि सड़क से जुड़ा हुआ आदमी है, कोई कोई करोड़पति अरबपति
पैदाइश नहीं है। हाँ, ये जब भी कोटा आते हैं तो ये पूरा कैंप कार्यालय में एक चारों ओर से घेर कर जनता खड़ी हो जाती है, इसका राज क्या है? और जब भी हम पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई हूँ, बेटा हूँ। जब कोटा आता है तो कोटा ये मान के चलता हूँ कि कोटा की जनता ये मान के चलती कि जो हमारी दुख दर्द है भाई ओम बिरला सुनेगा, और भाई ओम बिरला जिस प्यार से और स्नेह से वो सुनता है उससे लगता है कि मेरा एक काम हो गया है। काम हो बात बाद में मान के चलता हूँ, बहुत सारे काम नहीं होते हैं, सारे काम संभव नहीं, लेकिन ओम बिरला से मिलते वो सोचते मेरा काम हो गया और अब मैं मुझे कोई मतलब चिंता नहीं है। तो इस भावना से वसीभूत होकर जो कोटाई जनता प्यार करती है इसलिए वो घर रहते हैं, और वो भी एक बेटे के रूप में भाई के रूप में अपनी पहचान बना रखी है, तो वो उसको कभी भी मना ही नहीं करता कि कोई भी आए, ऐसा नहीं कि उसके कोई आ रहा है कि अभी नहीं मिलेगा, वो खुद ही जनता के बीच में रहना पसंद करता है, जनता के साथ रहना पसंद करता है, जनता के साथ उठना बैठना पसंद करता है, उसको जनता ही प्रिय है। सर आप बड़े भाई हैं? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, ये 5वें नंबर पर है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद ओम बिरला, जिन्होंने तीसरी बार जीत हासिल की है, 5 साल लोकसभा के स्पीकर रहे और अब सबको उम्मीद है कि वही दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर होंगे। बचपन के मित्र हमारे साथ हैं उनके, जो स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, साथ में खेले, और कैसा शुरुआती थी वो राजनीति का दौर, किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से इन्होंने ये भी साथ रहे, हम बातचीत करेंगे जानेंगे। सर ना आपका नाम क्या है, नाम बता दीजिए, और किस तरह से बचपन में वो शुरुआत रही, किस तरह से राजनीति में वो सक्रिय रहे, क्योंकि इतना लंबा दौर रहा, 3 बार सांसद का चुनाव लड़े और 3 बार विधायक का लड़े। मेरा नाम प्रमोद गौतम है, मैं बस बिरला जी के बिल्कुल सामने वाले ही मकान में रहता आया हूँ, और ये पता नहीं कि बचपन से ही हम जब पैदाइश हुए जब से ही हम एक आपस में सब जानते हैं, एक दूसरे को, पूरी फैमिली को ही जानते हैं। बिरला जी का जहाँ तक सवाल है, उनको राजनीति में जो पॉलिटिक्स शब्द होता है उससे उनको कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध केवल सेवाओं से, दुनिया की सेवा करने के। तो बचपन से ही उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी, वो हमारी क्रिकेट टीम के भी कप्तान हुआ करते थे, हॉकी के भी वही कप्तान हुआ करते थे, और जब हम स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो न्यू मिडिल स्कूल में भी वो इलेक्शन लड़े, उसके बाद उन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और फिर कॉमर्स कॉलेज से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो लगातार सेवा में लगे रहे, लोगों की सेवा के लिए। जब वो छोटी उम्र में जब स्टूडेंट की लीडरशिप का लीडरशिप करते थे तब भी वो लोगों से उनका जुड़ाव बहुत था, सभी पूरे मतलब पूरे कोटा के लोगों से उनका जुड़ाव इतना ज़बरदस्त कि लोग उनको उस समय तो सब ओम बोला करते थे, अब धीरे धीरे अलग बात हो गई, बिरला जी बहुत उस पर हैं आज की तारीख में, तो उनको बहुत सम्मान से देखना पड़ता है और पद की गरिमाओं का भी बहुत सम्मान रखना पड़ता है सबको। नहीं आज भी भाई साहब तो यहाँ के लोग उनको कहते हैं, और वो भी कहते हैं कि कोटा बूंदी में मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ। भाई साहब तो खैर उनके पीछे जुड़ चुका है अब, भाई साहब तो उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ओम भाई साहब नहीं बोलता हो, क्योंकि बचपन से सब ओम भाई साहब बोलते आ रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस कोटा में ही चली गई। और उनकी जो सेवा करने का जो जज्बा है, वो चाहे उन्होंने उपभोक्ता में जाकर सेवा करी, उन्होंने राजस्थान सरकार में संसदीय कार्य मंत्री संसदीय मंत्री रहते हुए सचिव रहते हुए भी उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की, आप उनका उनका जो देखोगे यहाँ लोगों को कंबल बांटना, यहाँ प्रसादम खाना खिलाना, एक मतलब हॉस्पिटल में कुछ देना, सब हर तरह की सेवाओं में उनका इन्वॉल्वमेंट है, पूरे कोटा में, पूरे कोटा में उनका हर तरह की सेवाओं में इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इतनी सेवा वो देते हैं लोगों को कि उनसे लोगों को जुड़ाव ऐसा हो गया, पर्सनल जुड़ाव। और एक जो उनका गुण है जो बहुत ज़बरदस्त गुण है कि वो सबको नाम से जानते हैं, एक तो सबको नाम से जानते हैं, दूसरा आप उनसे पूछो कि उसका टेलीफोन नंबर, तो उनको टेलीफोन नंबर भी मतलब मेमोरी में इतने ज़बरदस्त लोगों के याद हैं कि सामान्य व्यक्ति की तो क्षमता नहीं है, मतलब वो एक अपूर्व क्षमता के मालिक तो हैं भाई साहब, इसमें कोई मतलब कोई वो नहीं है, दोहरा है। 2003 में जो पूर्व मंत्री है शांति कुमार धारीवाल, उनके सामने चुनाव लड़े थे,
उनको हराया 2003 में, उसके बाद फिर चुनाव लड़े फिर से 3 के बाद और लगातार जीतते गए, हर बार मार्जिन बड़ा, हालांकि इस बार कम रहा, पर कुछ ऐसा उनके बारे में बताइए कि उस समय आप भी चुनाव में उनके साथ जाया करते थे, किस तरह का जो नेचर की बहुत बात की जाती है कि सबसे हटकर का नेचर देखा जाता है कि इस तरह से जनता बात करती है कि नेता चुनाव के समय तो घर घर आते हैं और फिर बात तक नहीं करते, मिलते नहीं हैं, पर इतने बड़े पद पर होने के बाद भी वो यहाँ आते हैं, बीच में कुर्सी लगा कर बैठ जाते हैं और जनता ऐसे ही उनसे मिलती रहती है। देखो आप 2003 में उन्होंने जैसे शांति धारीवाल जी को उन्होंने हराया था, तो वो वहाँ से एक स्टार्ट हुए, मान लो एक एमएलए के लिए लड़े। अगर वो ऐसे होते कि लोगों से एमएलए बनने के बाद नहीं मिलते या ऐसा होता, तो उनका ये सफ़र या ये दौर उसी मैंने कहा ना आपको, अगर वो राजनीतिज्ञ होते तो ये सफ़र इतना लंबा नहीं होता। वो एक सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, वो आए हैं मतलब ये मानो कि सेवा करने में उनका जो जज्बा है, और जुझारू व्यक्ति हैं। जुझारू में बता ना आपको कि जैसे मान लो आप कह रहे हो इलेक्शन हो गए तो सबको है ना ऐसे बूस्ट कर देते हैं, मतलब ऐसे उठा देते हैं कि चलो सब लग जाओ। तो आखिर इतना प्रेम लोगों का उनके जुड़ाव इसलिए है कि वो सब लोगों के बीच में आज भी वैसे ही हैं जैसे वो कभी स्कूल के चुनाव लड़ते थे या कॉलेज के चुनाव लड़ते थे, ऐसा ही चुनाव लड़ना उनका आज भी है और लोगों से जुड़ाव उनका आज भी वैसा ही है। आप किसी से भी पूछो कोटा में, मैं 2 मिनट में बोल देता हूँ उन भाई साहब को, सब यही बात करेंगे। तो आखिर इतने लोगों को, एक संसदीय क्षेत्र में 19,61,000 वोटर थे हमारे, 20 लाख वोटर, उन 20 लाख वोटर्स में से आप मानो नहीं मानो लगभग 2-4 लाख लोग तो उनको बाई फेस और बाई नेम ऐसा, मतलब वो क्या बताओ यार, विलक्षण प्रतिभा के धनी तो हैं यार। और कोटा नगर तो इतना भाग्यशाली है कि दोबारा लोकसभा अध्यक्ष इस कोटा नगर से मिल रहा है। मैं तो मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने कोटा का इतना सम्मान रख रहे हैं, इतना मान रख रहे हैं। तो आखिर कुछ तो है ओम जी में, कुछ का मतलब ये नहीं कि कोई पावरफुल है या ऐसा है, ऐसा नहीं, कुछ सेवाओं का जो जज्बा है, जो मतलब लोगों की जो सेवा करने का जो भाव है, भाव जो कह सकते हो आप, उसके लिए उसको देखते हुए तो ये पद मिलता है और गरिमा ऐसे व्यक्तियों को ही मिलती है। मैंने एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि आप हर हफ्ते या 15 दिन में अपने क्षेत्र में आ ही जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं रोक नहीं पाता, मैं उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं, मिले बिना रह नहीं सकता और अपने आके वहां बैठ जाते हैं चौक में और सारी जो कोटा बूंदी की जो जनता है वो आकर मिलती रहती है अपनी समस्याएँ लेकर। ये शांत स्वभाव शुरू से उनका ऐसा ही रहा है या फिर धीरे धीरे जैसे चुनाव में, क्योंकि नेता जैसे जैसे नेता ऊपर जाता है जनता कहती है कि देखिए नेता बन गए हैं, अब किसी से मिलेगी नहीं, बदल जाते हैं, पर जैसे जा रहे हैं बिल्कुल साफ सेली और बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, जब भी होली आती है ना तो ये हमारा पुराना जो एरिया है, मोहल्ला कहते हैं इसको हम लोग, ये पुराने मोहल्ले में बिरला जी हर होली पे यहीं मिलेंगे, यहीं लोग आते हैं, यहीं सबसे मिलते हैं प्रेम से, सबसे इतने खुश रहते हैं लोग उनसे मिलके, और जो भी लोग उनसे मिलने जाता है और जब वो वापस बाहर निकलता है तो ऐसा खुश होकर निकलता है जैसे मतलब ये मानो कि पूर्ण रूप से वो सेटिस्फाई है। तो आखिर यार मतलब आप सोचो कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रतिभा के धनी, क्योंकि मैंने देखा है इतने लंबे राजनीतिक जीवन कह लो उसको, मैं तो राजनीतिक बोलता नहीं, सेवा का जीवन कह लो, इसमें कितने ही लोग आ गए और चल गए, लेकिन ओम बिरला कभी गए नहीं, आए आए हमेशा। तो देखिए ये इन्होंने बड़ी बात कही है कि आज हालांकि वो यहाँ नहीं रहते, ये आपकी गली भी एक ही है, घर भी बगल में है, पड़ोसी कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, स्कूल के साथी कह लीजिए, सब हैं, पर आज भी होली हो या दिवाली अपने ही यहाँ घर पर आकर वो मनाते हैं और सबसे मिलते हैं। हम बातचीत करेंगे उनके एक और मित्र हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू मामा, मैं बचपन से उनके साथ जी, मैं अभी वहाँ गया था बिरला जी घर पे, तो काफ़ी नाम सुना आपका, बचपन से ही उनके साथ रहता हूँ और बहुत शुरू से बहुत सरल शैली के व्यक्ति हैं वो, कभी भी मतलब कुछ भी बात हो तो तुरंत प्रभाव से फ़ोन कर देते हैं, और अगर आप उनकी जनसुनवाई देख लो तो आप ही कहोगे कि यार ये लोकसभा अध्यक्ष हैं क्या, मतलब लोग बाग घेर के खड़े होते हैं उनको, गर्मी के टाइम में भी उनको मतलब गर्मी इतनी लगती है फिर भी वो नाराज़ नहीं होते किसी से, वो सबकी सुनाई करते हैं, कोई किसी का भी काम लेके आओ कैसा भी हो, किसी को दवाई की ज़रूरत हो फटाफट हॉस्पिटल में फ़ोन करना, सब तरह के काम मतलब वो करते हैं।
कुछ ऐसा बताइए जिस समय विधायक का चुनाव लड़ा करते थे, राजनीति शुरुआत हुई, हाँ तो उस समय आप भी कभी साथ गए हो, किस तरह से? बचपन से साथ हैं, हम तो सुबह 2:30 बजे भी उठ के रेलवे स्टेशन पर बड़े बड़े नेताओं को संपर्क के ले जाते थे, उमा भारती वगैरह आती थी जब, तो शुरू से हमने मेहनत करी है। और पहला जो चुनाव लड़ा उसमें यूँ मान लो नए कोटा के हर मकान में 10 बार गए होंगे हम, 10 बार जनता यूँ कहने लगी थी कि भैया ओम बिरला जी बोर जाऊँ वहाँ कोई कदाई न दे वहाँ, मतलब उनको यूँ लग गया था कि ओम बिरला जी के पास इतने कार्यकर्ता हैं कि ये बार बार में आ रहे। पूरे कोटा नगर को हमने ना पूरे कोटा नगर को पहले चुनाव में तो हर घर घर जाके हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को इतना वो किया। और ओम जी को उस समय जो टिकट मिला ना लोगों को, तो इतना लोगों में खुशी, इतना भाव था, वो तो था। स्टेशन पे इतनी भीड़ थी कि पांव रखने की जगह नहीं थी, मैं तो खुद ही ट्रेन के साइड में गिरता गिरता बचा, किसी ने बचाया एकदम, इतनी भीड़ थी। क्योंकि मेरा तो मित्र है तो मैं मिलने गया तो धक्का दे दिया, इतनी भीड़ थी मानो आप, पूरा दोनों साइड का स्टेशन फुल था उनका। पहले चुनाव में जब जोश था हमारा, और आज भी उसी जोश से काम करते हैं, इस चुनाव में भी पूरी ताकत से काम करा। तो आप लोग साथ उस समय जाते थे चुनाव में, पूरा कवर करते थे, मतलब अभी तक भी जाते हैं। और जब भी वो आवाज़ दे लेते हैं, अभी रात में 2:30 बजे भी आके आवाज़ दे ले तो उठ के सीधे उन्हें ये स्टेशन चल रहे हो चलो, और बोलते ऐसे ही है जैसे बचपन में हम बोलते थे, आज भी ऐसे ही बोलते हैं। वो खुद को रोक क्यों नहीं पाते दिल्ली? नहीं, वो इसलिए नहीं रोक पाते कि उनको यहाँ लोगों की चिंता रहती है यार, उसका काम नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कई बार मैं अड़ जाता हूँ, उन्हें सही 4 बार दे दी ये न हो, अरे वो गलती हुआ, कोई दिक्कत आ रही होगी दोबारा बोल देगा, मतलब नाराज कभी भी नहीं होते किसी से। NDA का समर्थन मिल गया है, कांग्रेस ने अटका दिया है मामला, आज नामांकन दाखिल हो गया है, तो क्या लग रहा है? वो तो बन गए, मान लो हमने तो मान लिया, आज बन गया ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष। NDA वो फार्म भरा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुमत NDA के पास है, वो पूरा समर्थन मिल ही गया। अभी तो इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने वाली है, रात तक तो सब अलग अलग हो जाएंगे। आप तो ये देखना कि कल जब वोटिंग अगर होती है तो 312 वोट आने वाले हैं NDA के, 312 वोट, ये आप लिख लो आप बिरला जी के नाम से, यार सब विपक्ष और सब एक साथ मिल जाते हैं। वो जानते हैं कि जो लोकसभा इन्होंने चलाई थी, ऐसी कोई नहीं चला, मैंने तो नहीं देखा कोई लोकसभा इतनी मेहनत करके, इतना जुझारू व्यक्ति, एक एक को संभालना, ये नहीं कि उन्होंने विपक्ष को साथ नहीं लिया, विपक्ष को भी साथ लेके चले, विपक्षियों की भी पूरी बातें सुनी है। और ये बात अलग है कि जो नियम कायदे कानून में आता है वो तो लोकसभा अध्यक्ष के नाते जो करना होगा वो करते ही करते हैं, लेकिन इसमें विपक्ष को इतना चिढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो नियम है संविधान के अनुसार चलता है देश। कोई बिरला जी तो वहाँ बैठ के जो करते, किसी को हटा दिया है, निकाल दिया, तो उनका कोई का रोल नहीं, एक संविधान का रोल होता है उसमें। और इतना बढ़िया लोकसभा अध्यक्ष दोबारा जो देश को मिल रहा है, इतना अच्छा जाने वाला है ये 10 ओवर मोदी जी का और ओम बिरला जी का, इतना ज़बरदस्त 10 ओवर रहेगा कि दुनिया देखेगी। मोदी जी ने एक बार बोला था 1000 साल जैसी हम वो बना रहे हैं, मतलब भूमिकाएं जो भी करने वाले हैं, दुनिया भारत 1000 साल तक याद रखेगा। और मेरे को लगता है ये मोदी जी और ओम बिरला जी के कर कमलों से ये होने वाला है। चलिए सब पर बात हो गई है, बात कर लेते हैं कि नई संसद का भी उद्घाटन हुआ उस समय बिरला जी के कार्यकाल में ही। और अब यहाँ कोटा बूंदी से जिनके भाई और बेटे हैं उन पर तो बात हो गई है, नेता कैसे हैं? नेता में तो मैंने बताया ना, सेवा का बहुत भयंकर जज्बा है उनको, नेता नहीं कह सकते आप उनको, उनको आप कह सकते हो कि एक जन सेवक कह सकते हो, नेता अलग चीज़ होती है। देखो नेता तो होता है, कुछ भी बन सकता है, आज मोदी जी भी नेता है, नेता कहते हो, लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, तो ओम बिरला जी भी जन सेवक है, वो ऐसा नहीं है कि साहब वो कोई नेता है, नेता नहीं, नेता तो आम चाल बोलचाल की भाषा में, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से अगर देखा जाए तो वास्तव में जन सेवक है। तो आपने सुना, बचपन के मित्र हैं ओम बिरला जी के, एक ही गली में रहते हैं, बगल में ही इनका मकान है, हालांकि साथ ही स्कूल में पढ़े हैं, और कह रहे हैं कि हमने तो आज ही मान लिया है कि वो जीत गए हैं। और जो उनका स्वभाव की एक बात की जाती है कि जो ओम बिरला जी हैं वो जब भी कोटा आते हैं तो अपने क्षेत्र के लोगों से
मिलने के लिए वो कहीं भी कुर्सी लगा कर बैठ जाते हैं इतने बड़े पद पर होने के बाद ही, और हर जो गरीब तत्वे के लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे बैठकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से लोग अस्पताल की समस्याएं लेकर आते हैं, ये एक बड़ा उनके लिए यहाँ पर रोचक है और बहुत ही जो अट्रैक्ट करता है उनके कार्यकर्ता हो या क्षेत्र के लोग उनके लिए, कि एक उनका नेता यहाँ से जो जिनको उन्होंने जिताया था वो उनके भरोसे पर खरा उतरा है, और जब भी वो आता है उनसे मिलता है, मिलने में समस्या नहीं होती है और उनकी समस्याओं का समाधान होता है। लगभग तय हो गया कि लोकसभा के दूसरे स्पीकर भी ओम बिरला ही होंगे। कोटा से कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर। नामांकन दाखिल करने के बाद आप देखिए कि कोटा में खुशियों का माहौल है, यहाँ आतिशबाजी की जा रही है और कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, एक दूसरे को मिठाई यहाँ खिला रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं जो प्रभुलाल सैनी जी हैं कोटा जिला अध्यक्ष हैं, जो राकेश जैन वो हैं, ऐसे में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ आतिशबाजी कर खुशियाँ मनाई जा रही है। कल चुनाव होना है, जो ओम बिरला है उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, सबको उम्मीद है कि स्पीकर वो ही होंगे क्योंकि 5 साल उन्होंने संसद चलाई और अब फिर से सबको उम्मीद है कि वही स्पीकर होंगे, इसलिए खुशियों का माहौल है। कल चुना जाना है कि कौन लोकसभा के स्पीकर होंगे। इस बीच यहाँ खुशियों का माहौल है, भाजपा कार्यकर्ता इनसे भी बातचीत करेंगे, महिलाएं भी यहाँ। मैम, नामांकन दाखिल कर दिया है जी ओम बिरला जी ने, दूसरी जी। बार स्पीकर बन सकते हैं, सब ये उम्मीद लिए हुए जी, तो बहुत बहुत हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे कोटा शहर को दोबारा ये अवसर प्राप्त होगा ओम बिरला जी के माध्यम से, और मैं इनको आगे से आगे अग्रिम बधाई देते हुए यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जिस तरह से अपना कीर्तिमान परिचय दिया है, आगे भी इस तरह से हमें प्रतिनिधित्व जनता हमारे पक्ष में वोट देती रहे और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसी तरह से प्रतिनिधित्व रहे और देश हमारा आगे बढ़ते रहे, यही मैं सब का दौर आज शुरू हो गया है नामांकन के बाद, कल चुना जाना है कि कौन होगा स्पीकर। निश्चय ही कल स्पीकर के रूप में हमारे ओम बिरला जी को ही पूर्ण मतदान मिलेगा और वही विजयी होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। आप क्या कहेंगे, आप यहाँ से रही हैं, ओम बिरला जी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ है थोड़ा सा बताइए। हमें बहुत ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है कि आज आदरणीय ओम बिरला जी भाई साहब को दोबारा स्पीकर के लिए उम्मीदवार के लिए चुना गया है और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी ऐतिहासिक कार्य कोटा बूंदी क्षेत्र के लिए किए हैं और आगे भी हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कोटा बूंदी की जनता को कि आगे भी काफ़ी ऐतिहासिक कार्य कराएंगे और अपने संसद क्षेत्र को मतलब बहुत अच्छे विकास कार्य वो करेंगे। ये हमारे लिए ही नहीं अभी तो पूरे भारत में कोटा का नाम उन्होंने जो कोटा के नाम को गौरवान्वित किया है, हमारे बहुत गर्व की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और उसे भी गौरव की बात यह है कि हम भाई साहब के लिए कार्य कर रहे हैं और हमें भाई साहब जैसा कर्मठ कार्यशील नेता मिलना वास्तव में बहुत नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि अपने परिवार को ये अपने संसद क्षेत्र के लोगों को एक अपने परिवार की तरह मानते हैं और उनके सुख दुख में ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कोई परिवार का हिस्सा, मतलब उनके ही परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में है, वो हमेशा रात दिन अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक गरीबों के मसीहा के रूप में खड़े रहते हैं और हमें भाई साहब बहुत गर्व है और ये हमारे बहुत गौरव की बात है। हम कल के चुनाव के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और हमें विश्वास ही नहीं पूर्ण विश्वास है 100% विश्वास है कि कल भाई साहब दोबारा लोकसभा स्पीकर के रूप में चुने जाएंगे जी। आपका क्या कहना, आज नामांकन दाखिल कर दिया है, 2014 में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था, उससे पहले 3 बार विधायक का चुनाव वो जीते और तीसरी बार इस बार चुनाव लड़े थे, जीत हासिल कर ली है और वहीं जा पहुंचे हैं जहां 5 साल संसद चलाई और अब फिर से सबको उम्मीद है कि वही स्पीकर होंगे, कल चुने जाने हैं, क्या कहना है आपका? बस वो तो हमें सबको पहले से ही पता था और वो उन्होंने हाड़ौती और अपने राजस्थान का जो नाम रोशन किया है उसको बुलंदियों पर पहुंचाया और कोई नहीं कर सकता तो उनके अलावा, विश्वास है कि वो स्पीकर के पद पे दोबारा बनेंगे ये तो हमें पूरा। और भी आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जश्न का माहौल है और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं नेता हैं वो जश्न मना रहे हैं, नामांकन दाखिल कर दिया है, जो ओम बिरला हैं लोकसभा के स्पीकर रहे हैं वो 5 साल और जो
हाँ जो प्रभुलाल सोनी जी हैं उनसे हम बात करेंगे। राकेश जैन जी हैं जी, क्या कहेंगे? नामांकन दाखिल कर दिए हैं दूसरी बार, सबको उम्मीद है कि बिल्कुल जो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता है उनकी जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर ओम जी बिरला पहले भी खड़े उतरे हैं और फिर एक बार खड़े उतरेंगे। और इस बार ओम जी बिरला जो INDIA गठबंधन है उसके भी कई सांसदों के वोट ओम जी बिरला को मिलेंगे और इससे INDIA के जो अपने आप को एक करने का प्रयास है उसकी छवि को कहीं ना कहीं बट्टा लगेगा, क्योंकि उनने भी जो उनका उम्मीदवार घोषित किया अभी से लोग कहने लग गए कि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया और एक तरफा कार्रवाई किया। प्रभुलाल जी सैनी भी बूंदी से पहुंच गए हैं यहाँ जैसे ही नामांकन दाखिल हुआ। सर 2014 में पहला चुनाव लड़ा उन्होंने सांसद का, उससे पहले 3 विधायक के चुनाव जीते और अब दूसरी बार लोकसभा की सीट के लिए उनको चुना गया है। कल तय होना है कि कौन होंगे स्पीकर, हर जगह चर्चा है कि वही होंगे। NDA के घटक दल को और भारतीय जनता पार्टी को गर्व होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष होने के नाते पहली बार इतिहास को उठा के देखें, जितनी प्रोडक्टिविटी, जितनी उत्पादकता, जितने प्रकरण का निस्तारण, जितने बिल पास हुए हैं वह माननीय बिरला जी के सजग और सूझबूझ के कारण हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जो आज नॉमिनेशन भरा है NDA के जो हमारे प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, कल मतदान होगा और आशा से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा कई राजनीतिक दलों की पार्टियां उनको, उनके व्यवहार को, उनके काम को और उनके संस्कारों को मतदान करेगी और भारी बहुमत के साथ कल लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव माननीय बिरला साहब जीते। NDA का समर्थन तो मिल गया पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पेच फंसा दिया। कांग्रेस का काम हमेशा पेच फंसा नहीं होता है और हारी बिल्ली किसका नहीं बिल्ली कम में नोचती है, ये गलत परंपरा उन्होंने अपनाई है। जबकि लोकसभा देश का चुनाव हमेशा सर्वसम्मत होता है और जिस प्रकार का काम आज इन्होंने किया है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबको मिलजुल के और ऐसे, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष बनता है वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, वो सबका होता है, सदन के सारे लोगों का होता है। इसलिए कांग्रेस को अपना उदारता और परिचय देना चाहिए। तो आपने सुना जो यहाँ पर जश्न का माहौल है, जैसे उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया लोकसभा स्पीकर के पद के लिए, उसके बाद यहाँ खुशियों का माहौल है। आज के लिए कोटा से चेतन गुजर। NDA के समर्थन के बाद लोकसभा स्पीकर रहे ओम बिरला और कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके घर के बाहर मौजूद हैं, आप देखिए कि ये बिरला भवन है जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये मेडिकल स्टोर है उनका। जो ओम बिरला है वो पहले यहीं रहा करते थे, हालांकि अब वो यहाँ नहीं रहते, पर आप देख सकते हैं ये गलियां हैं, कैतुनीपोल का ये इलाका है जहां पर वो रहते थे। ये छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर रहा करते थे और यहीं से वो राजनीति का दौर शुरू हुआ था। आपको दिखाना चाहूँगा फिर से कि ये उनका घर था, अभी भी ये कैतुनीपोल कोटा में यहाँ पर स्थित है और यहीं से राजनीति की शुरुआत हुआ करती। जब जो ओम बिरला हैं उन्होंने अपनी राजनीति करियर का शुरुआत किया था तो यहीं इसी घर में वो कार्यकर्ताओं से मिला करते थे, यहीं सबसे यहीं रहा करते थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर भी चलेंगे, उनका कमरा था और जहाँ बैठक वो किया करते थे वो भी दिखाऊँगा। आप देखिए कि ये उनका घर है जहाँ से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओम बिरला जी हैं उनके जो माता पिता हैं उनकी ये तस्वीर लगी हुई है और यहीं पर बताया जाता है कि ये कमरा जो है ये ओम बिरला जी का हुआ करता था, वो इसी कमरे में रहते थे। हालांकि अब यहाँ नहीं रहते, पर जब चुनावी करियर की शुरुआत की थी तो यहीं से इसी मकान से पूरा दौर शुरू हुआ था। मैं दिखाना चाहूँगा ये उनका बैठक रूम है जहाँ पर वो बैठक किया करते थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिला करते थे या मीटिंग किया करते थे चुनाव के लिए। और ये तस्वीर भी अंदर लगी, आप देखिए जो ओम बिरला जी हैं वो इसमें दिख जाएंगे आपको, ये यहाँ बैठे हुए हैं उस समय जब राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। ये उनका फैमिली फ़ोटो है पूरा,
जो यहाँ लगा हुआ है, और दिखाना चाहूँगा एक बचपन का फ़ोटो भी लगा है। इसमें भी जो ओम बिरला जी हैं वो ये आपको दिख जाएंगे, इसमें ये हैं और ये बचपन की तस्वीर लगी हुई है। यहीं से राजनीति करियर की शुरुआत की उन्होंने। हालांकि जब से उन्होंने चुनाव, जब पहला चुनाव लड़ा 2003 में विधायक का, तब से ही उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। 3 बार लगातार विधायक के चुनाव जीते, उसके बाद 2014 में पहला सांसद का चुनाव लड़े, जीते। फिर 19 में चुनाव लड़े, जीते। स्पीकर बने, 5 साल संसद चलाई, और फिर 2024 में अब तीसरी बार सांसद का चुनाव जीत, संसद में गए और नामांकन दाखिल कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह भी पता लग रहा है कि वही दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बनने जा रहे हैं। हालांकि इस सब पर और भी हम ज़्यादा बातचीत करने के लिए उनके जो बिरला जी के भाई हैं, उनके बेटे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगते हैं आप, एक बार पूरा बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम अंकुर बिरला है, मैं ओम बिरला जी का भतीजा हूँ जी। हमें 100% चांसेस है ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर बनेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से संसद चलाएंगे। उनका पहला साल जो स्टार्टिंग के 5 साल सांसद के तौर पर बहुत बढ़िया गए, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे, और सेकंड राउंड में उनका लोकसभा स्पीकर बने और बढ़िया परसेंटेज बनाया कि भैया पहली बार इतने टाइम तक संसद चली, रात में 12 बजे तक भी संसद चली, बढ़िया बढ़िया बिल जल्दी जल्दी पास हुए, देश का बहुत बढ़िया विकास हुआ। आपके चाचा लगते हैं, ताऊ लगते हैं? मेरे ताऊ जी लगते हैं, सगे ताऊ जी। अच्छा, सगे ताऊ जी हैं। एक बार हमें बताएंगे क्या कब यहाँ रहा करते थे वो, किस तरह से राजनीति की शुरुआत हुई? ये साल 1990 के बाद की है, जब स्टार्टिंग में उनको छात्र संघ राजनीति का शौक था, कॉमर्स कॉलेज में चुनाव जीते, उसके बाद उन्होंने भाजपा बीजेपी ज्वाइन की, पहले ABBP में थे, उसके बाद बीजेपी में आ गए, बीजेपी में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसके बाद उनको कोटा सभा उपभोक्ता भंडार का चुनाव लड़े, उसमें उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष बने, और फिर जब भाजपा का ज़्यादा भरोसा रहा और उन्होंने उनको टिकट दिया, तो उन्होंने माननीय मंत्री शांति अग्रवाल जी के लिए खिलाफ लड़ाई, वो सामने चुनाव लड़ा 2003 में लड़ाई, पहले चुनाव लड़ा, और पहले आदमी थे जिन्होंने प्रेसिडेंट बैठे हुए मंत्री जी को पहली बार वोटिंग से हरा दिया। मार्जिन अच्छा खासा था जब वोटिंग थी, जब वोट हुई तो है, और जब सेकंड राउंड हुआ तो सेकंड में बहुत बढ़िया मार्जिन से जीते हैं, और अभी पहली बार सांसद बने तब भी बहुत बढ़िया काम किया, अभी सेकंड बार लोकसभा इसके बन गए, बहुत बढ़िया काम हुआ, कोटा वालों को तो बहुत चांदी हुई है। अभी आप मुझे दिखा रहे थे, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन से कमरे में जो ओम बिरला जी हैं वो रहते थे और कहाँ वो मीटिंग किया करते थे? मीटिंग वो बैठक के तो इस कमरे में होती थी जी, ये कमरा था, इसमें कूलर लगा हुआ था पहले जी, अभी भी कूलर लगा हुआ है, मगर इसी कमरे में ओम बिरला जी कई बचपन स्टार्टिंग से बैठक हुई है, जितनी भी बैठक होती थी चुनाव रिलेटेड हो चाहे वो घर पर भी आते थे, उनके पिताजी से इसी कमरे में मिलते थे, वैसे जीत के आते थे तो सबसे पहले आके पिताजी के पांव छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, यहीं इसी कमरे में बैठे थे उनके पिताजी, और यहीं पे मतलब बाबू जी यहीं पे वो उनसे आशीर्वाद ले लेते और फिर हम पूजा करते और फिर निकल जाते थे 80B के लिए। तो आपने सुना कि जब वो विधायक का चुनाव जीत कर आए थे पहली बार, तो तब यहीं पर जो पिताजी थे वो यहाँ बैठे रहते थे, तो वहीं यहीं पर आकर पहले उनका आशीर्वाद यहाँ लेते थे ओम बिरला जी, और यहीं से अपनी राजनीति करियर की शुरुआत की। ये वही मकान है जहाँ पर वो रहा करते थे, ABBP से चुनाव लड़े, उसके बाद उपभोक्ता भंडार के चुनाव लड़े, और फिर जब 2003 में शांति कुमार जो धारीवाल है पूर्व मंत्री कांग्रेस के, उनके सामने विधायक का चुनाव लड़े थे, उनको काफ़ी अच्छे मार्जिन से हराए, 3 बार लगातार चुनाव जीते, हर बार उनके जीत का मार्जिन बढ़ा, तो वहीं तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़े, हालांकि इस बार जीत का मार्जिन कम हो गया, पर 2 बार सांसद के और 3 बार विधायक के चुनाव में हर बार उनके जीत का मार्जिन बढ़ता गया और वो जीतते गए। अत्यंत खुशी की बात है, कोटा बूंदी के सांसद और कोटा बूंदी की जनता के दिलों पर राज करने वाले हमारे अपने ओम जी बिरला को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। इस समाचार से सिर्फ कोटा बूंदी क्षेत्र में नहीं और राजस्थान में नहीं, पूरे देश में
हर्ष का माहौल है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई व्यक्ति दूसरी बार स्पीकर के पद पर नामित हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस तरह के कार्य किए हैं वह देश में ही नहीं उन कार्यों की विदेश तक उनके द्वारा छाप छोड़ी गई है। मितव्ययिता के मामले में और कम खर्चा करके राष्ट्र की संपदा और धन को बचाने का जो काम लोकसभा अध्यक्ष जी ने पिछले कार्यकाल में किया है उसके अनुपम उदाहरण है। जिस बात के लिए सबसे ज़्यादा सांसदों को कहीं ना कहीं सुनना पड़ता था कैंटीन के मामले में, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल में कैंटीन में जो सब्सिडी होती थी उसको बंद किया। लोकसभा अध्यक्ष जी ने नई लोकसभा के निर्माण में मितव्ययिता का परिचय देते हुए जो बजट था उससे कम में लोकसभा का निर्माण करके दिखाया। दूसरी बार मौका मिला, आपके इस तरह की उम्मीद है कोटा शहर, कोटा बूंदी और पूरे शहर देश को? पूरे देश को लोकसभा अध्यक्ष जी से कई सारी उम्मीदें लगी हुई है और निश्चित ही लोकसभा अध्यक्ष जी का ये जो कार्यकाल होगा वो अनुपम कार्यकाल होगा। जो भी कार्य पिछली बार उनने किए थे, चाहे वो रेलवे स्टेशन के मामले में हो, चाहे दिल्ली मुंबई हाईवे के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे स्मार्ट सिटी के मामले में, ऐसे कई अनेकों कार्य लोकसभा अध्यक्ष जी के पिछले कार्यकाल में कोटा बूंदी क्षेत्र में हुए हैं और इस कार्यकाल में निश्चित ही जो कार्य शेष रह गए थे वो सब बड़ी बड़ी जो भी हमारी आशाएं और आकांक्षाएं हैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के नागरिकों की वो सब पूरी होगी और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का पूरे देश में विशेष स्थान। आज किस तरीके का आयोजन होता है? आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और इसके लिए हम यहाँ पर आतिशबाजी करते हुए और साथ में एक दूसरे का मुँह मीठा कराते हुए सबके साथ खुशियों को बांटेंगे। थैंक यू सर। राकेश जैन, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कोटा।